बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के रामनगर चौक पर मोटरसाइकिल सवार तीन नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के रामनगर चौक पर मोटरसाइकिल सवार तीन नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ चार फायर दाग दिए, जिनमें गोली एक युवक को लगी। युवक के घायल होते ही अपराधी मोबाइल, 24,000 रुपए, मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान तेलीहाल पंचायत के रामनगर गांव के वार्ड नंबर 12 निवासी राजाराम सिंह के रूप में हुई। घायल अवस्था में परिजन राजाराम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए खगड़िया रेफर कर दिया। लेकर आए थे, ठीक ना, तीन, एक मोटरसाइकिल पे तीन आदमी था, वो धक्का मार के गिरा दिया सर। उस राह से सब्जी लेकर आ रहे थे और तीन आदमी एक मोटरसाइकिल पे था, धक्का मार के गिरा दिया और मोबाइल और पैसा और गाड़ी छीन ली। त्राहा पुल की ओर से आ रहे थे अपने गांव रामनगर की ओर, तो रास्ते में उनको रामनगर पहुंचने से कुछ ही दूर पहले इनसे कोई अज्ञात एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के तीन व्यक्ति जो आ रहे थे, जो अज्ञात थे, उनको ठोकर मार के गिरा दिए। उनके बाद इनके एक मोटरसाइकिल होंडा है और इनका मोबाइल लूट करके पुनः वो सभी अभियुक्त उसराहा पुल की ओर ही भाग गए। परिजनों द्वारा बताया गया कि राजाराम सिंह रुपए लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इस दौरान रामनगर चौक पर करीब उसराहा की ओर से मोटरसाइकिल सवार तीन नकाबपोश अपराधियों ने फायर दाग दिए, जिससे एक गोली राजाराम को लग गई, जिसके बाद अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए खगड़िया बिहार से सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट।